आप सिंह शिवपाल जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। सर, क्या वजह है मिलने के लिए आप यहाँ पे आए हैं? 11 मार्च को मेरी बिटिया की शादी है, उसका आमंत्रण देने आया था। दलीय भावनाओं से पारिवारिक व्यवस्थाएं और सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं। तो अब ये माना जाए कि आप साथ हैं अभी भी? कहाँ, शिवपाल जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ? मैं शिवपाल जी से कभी अलग नहीं था। शिवपाल जी से कभी अलग नहीं थे, समाजवादी पार्टी से तो अलग हो गए अभी आप बीच में? नहीं, ये समाजवादी पार्टी बताए ना आपको, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं अलग हूँ? समाजवादी आपसे कह रही कि मैं अलग हूँ समाजवादी पार्टी? कह रहे कि हम आजाद नहीं करेंगे, अखिलेश जी ने कहा कि हम आजाद कर दें, आप चाहते हैं तो आजाद नहीं करेंगे। तो आप क्या अभी जो है वो क्रॉस वोटिंग हुई, अलग तो बीच में हुए ना कहीं आप? आप ये बताइए कि पहले तो शिवपाल जी ने कोई बयान दिया कि राकेश प्रताप सिंह ने वोट नहीं दिया है, एजेंट थे ये? तो इस तरह की बातें करके आप लोग झगड़ा क्यों बढ़ाते हैं? सामंजस्य बनवाने का काम किया करिए, झगड़ा बढ़ाने का नहीं। तो झगड़ा नहीं है कोई भी अब समाजवादी पार्टी से, ये माना जाए? नहीं, राजनीति में किसी से कोई झगड़ा नहीं होता है। राजनीति विचारधारा का विषय होता है और विचारधारा के आधार पर राजनीति की जाती है। विचारधाराओं पे कहीं कुठाराघात होता है तो टकराव होता है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा कहते थे जिंदा कौमें पांच साल इंतजार नहीं करती हैं। तो आपने जिंदा कौमों का सबूत दिया, दिख रहा है? वो तो दिख ही रहा है, आपको दिखना चाहिए। शुक्रिया राकेश प्रताप सिंह। आप देखिए तस्वीरों में कि शिवपाल जी से मिलने के लिए आए थे और यहाँ पर बेटी का कार्ड देने के लिए उन्होंने बताया कि हम आए हैं और साफ तौर पर इस बात को कहा कि जिंदा कौमें पाँच साल इंतज़ार नहीं किया करती हैं। बहरहाल राकेश प्रताप सिंह जो है वो यहीं शिवपाल जी से मिलने के लिए आए थे, शिवपाल जी का आवास है। और क्रॉस वोटिंग के बाद काफ़ी जो है वो खटास बढ़ गई थी समाजवादी पार्टी से उनकी, और अखिलेश यादव भी काफ़ी नाराज नज़र आ रहे थे। बहरहाल आज फिर से मुलाकात करने के लिए आए हैं, राजनीतिक पहलू क्या होगा आगे का ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल शिवपाल जी लगातार लोगों को अभी भी जोड़ने में लगे हुए हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।